Good morning, students. Today we are going to study about that how bat find their prey or an obstacle in their path. Okay? तो आज हम ये find करेंगे कि कैसे जो bat है वो अपना prey या फिर कोई obstacle जो उसके रास्ते में आता है वो कैसे find out करती है. Okay? Now let us start. Okay? We were doing chapter sound. Okay? तो here this is a bat. ये हमने bat का diagram बनाया हुआ है. ठीक है? ये जो है prey है. ठीक है, तो देखिए अगर बैट के रास्ते में कुछ भी आता है, देखिए वैसे डिस्टेंस काफ़ी पास बना दे, काफ़ी दूर की बात हो रही है. ठीक है, तो अगर आपके बैट के सामने मान लीजिए काफ़ी डिस्टेंस दूर पे कोई ऑब्स्टिकल है या कोई उसका प्रे है, ठीक है, तो उसको कैसे पता चलता है. देखिए जो अल्ट्रासाउंड है बैट क्या करती है, अल्ट्रासाउंड जो है वो एमिट करती है. ठीक है, तो जब वो अल्ट्रासाउंड को एमिट करती है तो जो भी ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में आता है या जो भी उसका प्रे होता है ये रेज जाती है, उससे टकराती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होके किसके पास आती हैं, बैट के पास आती हैं और बैट जो है उसे हर कर लेती हैं. तो वो जो है उन्हें पता चल जाता है कि उनका ऑब्स्टिकल जो है वो कहाँ पर है और कितने डिस्टेंस दूर पे है. ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड इज़ एमिटेड बाय अ बैट एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक बाय अ प्रे और एन ऑब्स्टिकल. ठीक है, तो इस तरह से होता है ये प्रोसेस. तो यहाँ पर बताया गया है बैट सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन द डार्क नाइट. देखिए बैट जो है वो अपने प्रे को ढूंढती हैं, कब ढूंढती हैं, रात को ढूंढती हैं. ठीक है, अब वो कैसे ढूंढती हैं, वो क्या एमिट करती हैं, एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शन. वो एमिट करती हैं, उसके बाद जो भी उनके रास्ते में कोई भी चीज़ आएगी वो चीज़ उसे टकराएगी और वापस उन तक आती है. तो वो क्या करती हैं, एक तो वो एमिट कर रही हैं रेज और जो रेज हैं वो उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस कहाँ आ रही है, बैट के पास आ रही हैं. तो बैट उसे क्या कर रहा है, साथ साथ डिटेक्ट भी कर रहा है, यानी वो दो प्रोसेसेस करता है, एक तो एमिट करने का और दूसरा डिटेक्ट करने का रिफ्लेक्शन को. और वो रिफ्लेक्शन जो है किसकी हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स की हैं. जो अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन एमिट करता है, बैट एमिट करता है. ठीक है, तो बैट जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करता है, जो भी ऑब्स्टिकल इनके रास्ते में आता है उनसे वो टकराती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होके उन्हीं के पास आती हैं और बैट को सुनाई दे जाता है कि हाँ कि आपका ऑब्स्टिकल कितना दूर है. द हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक सीक्वेंस ऑफ बैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्स्टिकल और प्रे एंड रिटर्न टू बैट्स ईयर. ओके, तो वही बात हो गई, जो भी बैट जो साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा ऑब्स्टिकल तक जाएगा, वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करके बैट के ईयर तक पहुंच जाएगा और उसको सुनाई दे जाएगा. अब इस आपको इससे क्या पता चलता है कि आपका नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. देखिए इससे हमें एक चीज़ दो चीज़ें पता चलती हैं कि जो आपका ऑब्स्टिकल है वो कहाँ पर है और वो ऑब्स्टिकल क्या है, वो भी पता चलता है बैट को कि व्हाट इज़ द ऑब्स्टिकल एंड वेयर इज़ द ऑब्स्टिकल. तो इस तरह से जो है वो बैट किस तरह से एमिट करता है आपका अल्ट्रासोनिक वेव और उसको कैसे पता चलता है कि उसका जो टारगेट है या ऑब्स्टिकल या प्रे कितने डिस्टेंस की दूरी पे है उससे. ओके, और वो कहाँ पर है. ओके, वैसे ही आपका पॉर्पसेस ऑल्सो यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव. ये पॉर्पसेस भी आपके अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, नेविगेशन के लिए और साथ में लोकेशन ऑफ फूड के लिए. अगर इन्होंने नेविगेट करना हो और फूड को लोकेट करना हो डार्क में तो इसका यूज़ कौन करते हैं, पॉर्पसेस भी करते हैं. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक. ओके, now the last topic of your chapter sound is structure of human ear. okay, so this is the structure of human ear. ab yahan par ear mein jo outer part mein consist hota hai wo kya hota hai, aapka pinna, jo sabse outer wala hissa hota hai ear ka usse hum pinna kehte hain. andar jo aata hai aapke yahan par ye aata hai aapka ear canal aur yahan par ye hota hai aapka ear drum. theek hai, to yahan tak, yahan se leke yahan tak part jo hai aapka outer ear mein aata hai. theek hai, uske baad aata hai aapka middle ear. middle ear mein aapke kya parts hote hain, hammer hota hai aapke paas. ठीक है, स्टिरअप होता है आपके पास, एनेबल होता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट, तो जो इनर पार्ट आता है उसमें आपका क्या आता है, एक आता है कॉकेलिया और दूसरा आता है आपका ऑडिटरी नर्व. ओके, तो ये जो हैं आपके पार्ट्स हैं, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट और इनर पार्ट, ये आपके ऑडिटरी पार्ट हैं. ठीक है, ह्यूमन ईयर के. नाउ लेट अस स्टार्ट. देखिए ईयर है क्या आखिर. देखिए ईयर
वी आर एबल टू हेयर विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस. ठीक है, हमारे पास एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं. तो वो जो सेंसिटिव डिवाइस है हमारा वो कौन सा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं. ठीक है, अब मेनली हमने इसमें करना क्या है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसमें समझना है कि किस तरह से इसमें प्रेशर वेरिएशन को ये कन्वर्ट करता है आपकी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी में, फिर ऑडिबल फ्रिक्वेंसी से कैसे आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे आपके ब्रेन तक जो है वो पहुंचते हैं. ठीक है, मेन काम है हमारा फिजिक्स टर्म से इस ईयर को समझना कि कैसे जो है आपके कन्वर्ट होते हैं जो प्रेशर वेरिएशंस होते हैं एयर में, उनको ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, फिर जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी होती है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके कहाँ ट्रैवल करते हैं, ब्रेन में. ओके, तो इट अलाउड टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन एयर विद ऑडिबल फ्रिक्वेंसी. ठीक है, तो ये कन्वर्ट करता है, हेल्प करता है कन्वर्ट करने में जो प्रेशर वेरिएशन आ रही है एयर में. एयर में जितनी भी आपकी प्रेशर वेरिएशन होगी जो कि किसकी होंगी, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी की होंगी. ऑडिबल फ्रिक्वेंसी वो जो हमें सुनाई दे सकती है, और एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑडिबल फ्रिक्वेंसी ह्यूमन एयर के लिए क्या होती है. वी हैव डिस्कस्ड दिस कि ह्यूमन एयर्स को जो सुनाई देता है दैट इज़ फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़. ओके, तो ये जो बात हो रही है ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी में बात हो रही है. ठीक है, तो ये कहता है इट अलाउ टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन एयर विद ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वो किस में कन्वर्ट करता है उसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, दैट ट्रैवल टू ब्रेन, और वो ब्रेन में ट्रैवल करता है बाय अ ऑडिटरी नर्व. और वो ब्रेन में किसकी हेल्प से ट्रैवल करता है, जो आपकी लास्ट में ऑडिटरी नर्व है. मतलब इन आउटर पार्ट मिडल ईयर और जो आपका इनर ईयर है ये अपना अपना काम करते हैं, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ऑडिटरी नर्व की हेल्प से ब्रेन तक पहुँच जाता है. ठीक है, तो ये काम है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर का फंक्शन क्या है. मेनली जो समझने वाली बात है इसमें वो ये है, सबसे पहले जो आउटर ईयर का फंक्शन है, इसका काम है टू गाइड साउंड वेव टू मिडल ईयर. इसका काम है कि ये जो है आउटर पार्ट जो है वो साउंड वेव को गाइड करता है मिडल ईयर तक. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इज टू गाइड साउंड वेव टू मिडल ईयर, वो मिडल ईयर तक पहुंचा देगा आपकी साउंड को. अब मिडल ईयर का क्या काम है, मिडल ईयर का काम है टू पिकअप, एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट साउंड वेव्स टू इनर ईयर. वो जो साउंड आउटर ईयर इनर ईयर में पहुंचाएगा उसको एम्पलीफाई करेगा. एम्पलीफाई का मतलब होता है उसको बढ़ाएगा. ठीक है, तो जब उसको एम्पलीफाई करेगा और उसको किसको ट्रांसमिट कर देगा, आपके अंदर वाले ईयर को, यानी कहाँ ट्रांसमिट कर देगा, इनर ईयर को. ठीक है, अब इनर ईयर का क्या काम है, इनर ईयर का काम है कि वो जो आपके यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं, जो भी आपके पार्ट्स हैं यहाँ पर, वो उनको कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. तो जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं क्रिएट होने के बाद वो सेंड हो जाते हैं ब्रेन में. तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं आपके कौन से पार्ट में बनते हैं, दैट इज़ इन इनर ईयर. ठीक है, और वो सेंड हो जाते हैं ब्रेन में. अब ब्रेन में कौन सी नर्व उसे सेंड करती है, आपकी ऑडिटरी नर्व. अब ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करता है इन सिग्नल को टू गिव अस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग साउंड. तो वही तो हमें सेंसेशन ऑफ हेयरिंग साउंड को, क्योंकि अगर ब्रेन इंटरप्रेट नहीं करेगा तो हम तक कैसे पहुंचेगी सेंसेशन ऑफ हेयरिंग. ठीक है, तो ब्रेन का काम क्या है कि वो इन सिग्नल को क्या करे, इंटरप्रेट करे एंड गिव अस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग साउंड. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर. ठीक है, ह्यूमन ईयर जो है आपका काम कैसे करता है. ठीक है, वैसे तो हमने कंसेप्ट आपको पहले ही बता दिया है कि आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर का काम क्या है, उन्हीं को हम कंबाइंड करके पूरा का पूरा यहाँ पर बताएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर ईयर की. तो आउटर ईयर का क्या काम है, आउटर ईयर में आपका ये पिन्ना आ जाता है. इनका क्या काम है, ये कलेक्ट करता है साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग. जो भी आसपास हमें आवाज़ सुनाई देती है तो इसका काम है क्या करना, कलेक्ट करना उस साउंड को. अब साउंड क्या हो गई है, कलेक्ट हो गई है सराउंडिंग से. जो साउंड होती है उसको पास कहाँ किया जाता है, इस ऑडिटरी कैनाल या फिर सिंपल कहिए ईयर कैनाल से पास किया जाता है. कहाँ पर पास किया जाता है, आपके ईयर ड्रम के पास. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सराउंड को
साउंड को कलेक्ट किया एनवायरनमेंट से और उस साउंड को एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से कहाँ भेज दिया, ईयर कैनाल के थ्रू भेज दिया हमने ईयर ड्रम के पास। अब जब ईयर ड्रम में हमें जो कंप्रेशन होगी उसकी, कंप्रेशन रीच करेगी ईयर ड्रम के पास, व्हेन अ कंप्रेशन रीचेज ईयर ड्रम द प्रेशर ऑन द आउटर मेम्ब्रेन इंक्रीजेज एंड फोर्सेस ईयर ड्रम टू इनवर्ट। अब देखिए क्या होता है, अब कंप्रेशन हो रहा है, देखिए उसमें कंप्रेशन भी होगा रेयरफ्रैक्शन भी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपकी कंप्रेशन ईयर ड्रम के पास पहुंचेगी, तो ईयर ड्रम के पास मान लीजिए कंप्रेशन पहुंच गई, तो क्या होगा, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन पे प्रेशर लग रहा होगा वो बढ़ जाएगा और उसको क्या करेगा, फोर्स करेगा, इसको फोर्स करेगा अंदर की तरफ, ठीक है, तो क्या करेगा उसको अंदर की तरफ, ईयर ड्रम को इन्वर्ट कर देगा कंप्रेशन, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको ये बताई गई कि जब कंप्रेशन ईयर ड्रम के पास पहुंचती है तो ऑब्वियस सी बात है जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर बढ़ जाता है और वो उसको क्या करता है, अगर प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा है तो इसको ये अंदर की तरफ ईयर ड्रम को इन्वर्ट की तरफ कर देता है, ठीक है। सिमिलरली अगर ईयर ड्रम जो है वो मूव बाहर की तरफ कब करता है, जब उसके पास क्या पहुंचती है, रेयरफ्रैक्शन, ठीक है, तो कंप्रेशन पहुंचेगी तो वो इनवर्ड चला जाएगा और रेयरफ्रैक्शन पहुंचेगी तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ओके। तो अब ईयर ड्रम क्या होता है, वो एक तरह से क्या करने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है, ठीक है। तो ईयर ड्रम जो है वो क्या करने लग जाएगा, वाइब्रेट, और वेरिएशंस जो आपकी वाइब्रेशंस होंगी वो क्या होंगी, वो एम्पलीफाइड होंगी, तो वाइब्रेशन एम्पलीफाइड सेवरल टाइम इन द मिडल ईयर। अब ऑब्वियस सी बात है ये तो आपका क्या करने लग गया, वाइब्रेट करने लग गया, और इस मिडल जो पार्ट है जिसमें हैमर है, स्टिरअप है और एनेबल है, इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये तीनों जो आपके पार्ट्स हैं ये क्या करें, उसमें जो है वेव्स जो होंगी आपकी उनको क्या करेंगे, एम्पलीफाइड, सॉरी, जो आपकी वाइब्रेशन होंगी उनको क्या करेंगे, एम्पलीफाइड करेंगे सेवरल टाइम, ठीक है। तो दे विल एम्पलीफाई द वेरिएशन सेवरल टाइम इन द मिडल ईयर, और उनको एम्पलीफाई करने के बाद ये उनको कहाँ ट्रांसमिट कर देंगे, इनर ईयर के पास, तो वो अंदर ईयर में चले जाएंगे, ठीक है। तो जो आपकी होंगी वो ट्रांसमिट हो जाएंगी इनर ईयर में, और इनर ईयर का क्या काम है, इनर ईयर का काम है कि उनको किस में कन्वर्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करेगा, और उसकी हेल्प कौन करता है करने में, वो करते हैं कॉकलिया, ठीक है। तो ये जो है वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बना देता है, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट हो गया तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कहाँ सेंड कर दिए जाते हैं, ब्रेन के पास, और ब्रेन को कौन से नर्व सेंड करते हैं, वो ऑडिटरी नर्व का काम है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुँचाना, तो ये क्या कर देते हैं, उन्हें ब्रेन तक सेंड कर देते हैं, और ब्रेन का काम क्या है, वो उस साउंड को क्या करें, इंटरप्रेट करें, ठीक है। तो साउंड को क्या कर देते हैं, इंटरप्रेट कर देते हैं। तो ये जो है ये आपका सारी की सारी वर्किंग है कि जो आपका ईयर है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मेन तो आपको ये याद रखना है इसको करते समय कि आउटर पार्ट में जो आउटर ईयर है उसमें क्या चीज़ें आती हैं, मिडल ईयर में कौन से पार्ट हैं और इनर ईयर में क्या है, और मेनली फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये होना चाहिए पता कि कहाँ पर एम्पलीफिकेशन हो रही है, कहाँ रेयरफ्रैक्शन कंप्रेशन हो रही है, कहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और कहाँ से वो ब्रेन तक पहुँच रहा है, और उसके बाद जो है वो साउंड को इंटरप्रेट कर पाता है, ठीक है। तो ये है मेन काम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमें ये समझना है कि मेनली जो है वो वाइब्रेशन जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं, किस तरह से आपका जो इनर जो ईयर ड्रम है वो इनवर्ड आउटवर्ड जा रहा है, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।